तो आज धनतेरस है। इस मौके पर बाजार में रौनक देखते ही बन रही है, लेकिन इस बार चीनी सामान को लेकर ग्राहकों की बेरुखी से चीन बौखला गया है और एक तरह से धमकी पर उतर आया है। चीनी दूतावास ने बयान जारी करते हुए कहा है, चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, भारत में कुल निर्यात का 2% हिस्सा ही जाता है, इसलिए भारतीय बहिष्कार का कुछ खास असर नहीं होगा। चीन सिर्फ इस बात को लेकर चिंतित है कि इससे भारत में चीन के निवेश पर असर होगा और दोनों देशों के रिश्ते भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि पिछले एक महीने से पूरे देश में चीन के सामान का बहिष्कार करने की मुहिम छिड़ी है। लोग सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पर प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही बाकी लोगों से भी चीनी सामान का इस्तेमाल ना करने की अपील कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली के सदर बाजार समेत देश के तमाम बाजारों में दिवाली से जुड़े चीनी सामान की बिक्री बेहद कम हो गई है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत और चीन के बीच कारोबार की तस्वीर दरअसल है क्या। भारत चीन का द्विपक्षीय कारोबार 65 अरब डॉलर का है, जबकि चीन से करीब 61 अरब डॉलर का आयात भारत का है। भारत का निर्यात तकरीबन 9 अरब डॉलर है। 2015 में चीन ने भारत से 2 अरब डॉलर की कॉटन इंपोर्ट की। चीन ने 10 करोड़ रुपए की ब्लैक टी इंपोर्ट की। फार्मा इंडस्ट्री के लिए 60-70% से ज्यादा कच्चा माल चीन से आता है। तो मोबाइल फोन मार्केट में चीनी कंपनियों ने एक बड़ा निवेश कर रखा।